हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चावल को किस तरह से आप बोरिक एसिड का पाउडर मिलाकर कीड़े मकोड़ों से बचा सकते हैं और उन चावल को आप काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं स्टोर करके अपने घर में। तो ये जो बोरी आप देख रहे हो, महाराजा राइस की बोरी है, इसका पूरा नाम है चिन्नौर काली मूंछ। तो दोस्तों, ये जो बोरी है हम लोग अपने घर में ला लेते हैं और हमें कम से कम 2 से 3 महीना तक हमें इसको यूज़ करना है। तो तब तक में चावल बहुत जल्दी कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, चींटी वगैरह भी इसमें आने लग जाती है और छोटी छोटी इल्लियाँ कहते हैं वो भी हो जाती है बहुत जल्दी, 1 हफ्ते के अंदर ही। हम कितने भी टाइट कंटेनर में रखें तब भी ऐसा होता है। तो उस टाइम पर हम अपने घर के पास के शॉप से ले आते हैं बोरिक एसिड पाउडर, जो 60 रुपीज़ का मिलता है और बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। तो आप इसका उपयोग 2 बार कर सकते हैं, मतलब एक पैकेट में आप जो 2 बोरी होती है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें उपयोग करने की विधि दी गई है और इसका जो प्राइस है 60 रुपीज़ का होता है और इसमें गर्मी व नमी से बचाकर रखने के लिए ये पाउडर हमें मार्केट में मिलता है। तो चावल और दालों में दोनों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बस जब आप चावल को पकाने जाते हैं तब आपको 3 से 4 बार इसको हल्के हाथों से वॉश कर लेना पड़ता है, चावल को या दाल को। तो वॉश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने पाउडर मिलाया है, ये बोरिक एसिड का पाउडर है। तो मैं इस पैकेट को इसमें मिक्स करने जा रही हूँ इस चावल में। तो कितना मिक्स करना है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, थोड़ा सा गट्ठा इसमें रहते हैं छोटे छोटे, तो उनको आपको हाथों से इस तरह से पीस लेना है। तो उस तरह से आपको जो गट्ठे हैं उसे हटा देना है, गुठलियों को इस तरह से मैश कर लेना है। और एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने कुछ चावल को ले लिया है। अब इसमें मैंने अपने अंदाज से ही मैं चावल में इस पाउडर को मिलाने जा रही हूँ, आप भी इस तरह से मिला सकते हैं। मैंने डाल दिया है इसमें 1 चम्मच पाउडर और इस तरह से दोनों हाथों से हमें पाउडर और चावल को एक कर देना है, मिला लेना है। तो दोस्तों, आप थोड़ा थोड़ा चावल लीजिए और थोड़ा सा ही पाउडर लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद ये एक बर्तन लिया है मैंने, जैसे कि डिब्बा लिया है, और इसमें मैंने नीचे की तरफ पाउडर को डाल दिया है। अब इसके बाद ये जो आप चावल देख रहे हो जिसको मैंने मिक्स कर लिया था उसको मैंने इसमें डालना शुरू कर दिया है। तो बस 1 चम्मच से भी थोड़ा कम ले रही हूँ मैं और इस तरह से हाथों से मिला कर मैं डिब्बे में डालते जा रही हूँ। बस ऐसे ही आपको करना है, इससे कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं होते हैं, इल्लियाँ भी नहीं होती है। मैं हमेशा अक्सर जब भी घर में ये बोरी आती है अगले ही दिन मैं ये पाउडर को मिलाकर इस तरह से डिब्बे में भर देती हूँ और फिर हम 3 महीने तक इस चावल का उपयोग करते हैं। बस खाना बनाने के टाइम 3 से 4 बार मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ पानी से और फिर चावल को पकाती हूँ। तो बस इसी तरह से देखिए, ये डिब्बा पूरा मैंने भर दिया और ऊपर में भी मैंने इस पाउडर को स्प्रेड कर दिया, फैला दिया है। और अच्छे से ढक्कन को टाइट कंटेनर में, मतलब टाइट कंटेनर होना चाहिए जिसका कैप अच्छा है, टाइट है, उसी डिब्बे में आपको इसको इस चावल को रखना है। तो आप अब आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि देखिए, आधी बोरी अभी बची है और इतना पाउडर बचा है। तो जो दूसरा डिब्बा है उसमें भी मैं इसी तरह से भरने जा रही हूँ। जो बोरिक पाउडर होता है ये आसानी से आपके घर के पास के शॉप में मिल जाता है। तो बस आप बोरिक पाउडर को जब भी आप लाते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट देख के लाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, हेल्पफुल है जानकारी, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।